हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएच जेड स्टोरी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो पे। आज हम जानेंगे टेरेस गार्डन के बारे में, जो छोटा सा स्पेस के अंदर हम बहुत सारा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग गार्डनिंग के लिए ऐसे ही कुछ मटेरियल चाहिए, जिसको हम इंस्टॉल करके बहुत सारा वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम लोहे का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम एसेट में हम जो ग्रो बैग है वो हम खरीद कर सकते हैं और उसमें फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। और ग्रो बैग के अंदर हम वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे। और ग्रो बैग का लंबाई होगा 6 फीट और चौड़ाई होगा 3 फीट। अब अपनी रिक्वायरमेंट से कर सकते हो। और ग्रो बैग का पीछे की साइड हम क्रीपर यूज करेंगे, जो लोहे की भी हो सकता है और आप बैम्बू से भी बना सकते हो, क्योंकि जितना सारा क्यूकरबिटेसी का फैमिली का प्लांट है वो हम पीछे की साइड उसको लगाएंगे। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मिडिल हाइट वाला प्लांट है, जैसे ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, टोमेटोज हो गया, वो हम लगाएंगे। और स्टेप नंबर 3 पे हम उससे भी छोटा वाला प्लांट, जैसे अमरंथस हो गया, स्पिनच, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, सब कुछ लगा सकते हैं। एक ही ग्रो बैग में हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्यूकरबिटेसी फैमिली का बहुत सारा प्लांट लगा सकते हैं, जैसे क्यूकम्बर, काउपी, पामकिन, बॉटल गार्ड, स्नैक गार्ड और बहुत सारा वेजिटेबल लगा सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम ब्रिंजल, ओकरा, मिड हाइट प्लांट लगा सकते हैं। और सामने हिस्से में थर्ड स्टेप में हम शॉर्ट हाइट वेजिटेबल्स प्लांट लगा सकते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीटरूट, बहुत सारा वेजिटेबल्स प्लांट हम लगा सकते हैं। तो आज हम आ गए और एक टेरेस गार्डन में, जहाँ पे छोटा सा स्पेस के अंदर कुछ ग्रो बैग के मदद से बहुत सारा वेजिटेबल्स ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा भी पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दिलाता है। कुछ कैरेट में बहुत सारा मिंट का प्लांट है, आप भी ऐसे ही ग्रो बैग की मदद से बहुत सारा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो अपने टेरेस गार्डन में। सो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और याद करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।